Shaw. नमस्कार, आप सभी का स्वागत गांव किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। गांव किसान कार्यक्रम में लगातार नई नई जानकारी आपको हम देते हैं अलग अलग सेगमेंट के जरिए। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज खासतौर से खेती किसानी में आपको हम बताएंगे पूसा संस्थान द्वारा जो नई किस्में तैयार की गई हैं धान की, वो कौन सी हैं, क्या उनके फ़ायदे आपको मिल पाएंगे। हमारा पशुधन में बात होगी, सीप पालन पर भी, और आखिर में कामयाब किसान की दास्तां में आपकी मुलाकात कराएंगे एक सफल किसान से जो कि मशरूम की खेती करके आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, खेती किसानी में आपको आज हम जानकारी देने जा रहे हैं हाल ही में जारी की गई बासमती की 3 नई किस्मों के बारे में। पहले इन किस्मों में संशोधन भी किया गया और उसके बाद अब जो संशोधित किस्में हैं इसके फायदे जो हैं किस तरीके से किसानों को मिल पाएंगे। ना सिर्फ रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसमें बढ़ाया गया है, बल्कि जो इसकी गुणवत्ता है, जो पोषण की हम बात करते हैं, उसमें भी इजाफा किया गया है। इन नई किस्मों के उपलब्ध होने से किसानों को किस तरह के फायदे मिलेंगे, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लगातार कुल जोत में कमी होती जा रही है। लगातार बढ़ती वसाहट से खेती का दायरा कम हो रहा है। इसके बावजूद भी उत्पादन में लगातार इजाफा देखा जा रहा है, जिसकी सीधी सी वजह है कृषि के क्षेत्र में हो रहे नवीन अनुसंधान। आज कृषि विशेषज्ञ ऐसी नई नई किस्में इजाद कर रहे हैं जो विपरीत हालात में भी भरपूर उत्पादन देने में सक्षम है। बासमती धान हमारे देश की पहचान है, इसलिए बासमती के निर्यात में बढ़त बनाए रखने के लिए किसानों को भी कई बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जिससे मानक मापदंडों पर खरा उतरा जा सके। इसके लिए सबसे जरूरी है उर्वरक के इस्तेमाल का संतुलित प्रयोग। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा ने बासमती धान की कुछ किस्मों में बदलाव किए हैं जो उन्हें पहले से बेहतर बनाती है। इन बदलावों में बासमती धान में होने वाली 2 खास बीमारियों के प्रतिरोधकता बढ़ाई गई है। आमतौर में धान में पत्ती झुलसा रोग और ब्लास्ट की समस्या देखने को मिलती है, जिससे हर साल किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही इन रोगों की रोकथाम के लिए भी प्रति एकड़ करीब 30,000 रुपए तक खर्च करने होते हैं। इन तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए पूसा के विशेषज्ञों ने क्या प्रयास किए हैं, आइए जानते हैं। किसान भाइयों नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बासमती किस्मों में कुछ हुए नए अनुसंधान के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, बासमती धान में विशेष रूप से और धान में सामान्य रूप से 2 बीमारियां लगती हैं जिनसे बहुत नुकसान होता है। एक तो है पत्ती का झुलसा रोग, जिसको हम बैक्टीरियल ब्लाइट कहते हैं, और दूसरी बीमारी है ब्लास्ट की बीमारी, जिसको हम झोंका रोग या गर्दन तोड़ के नाम से जानते हैं। इन दोनों बीमारियों से बहुत नुकसान होता है और उनके नियंत्रण पर करीब 3,000 रुपये प्रति एकड़ का खर्चा आता है। एक और ख़ास बात, जब दवाओं का प्रयोग बीमारियों के नियंत्रण के लिए किया जाता है तो दवाओं का अवशेष कई बार चावल में रह जाता है, और पीछे ऐसा पाया गया है कि यूरोपियन यूनियन में, खासकर जो भारत से बासमती चावल निर्यात किया गया, वहाँ पर एक विशेष दवा ट्राईसाइक्लाजोल, जिसका प्रयोग ब्लास्ट की बीमारी के नियंत्रण के लिए किया जाता है, उसका अवशेष पाए जाने के कारण चावल की खेप को निरस्त कर दिया गया। 2016 में जो बासमती चावल का निर्यात भारत से करीब 5,00,000 टन का होता था यूरोपियन यूनियन में, वो 2019 में घट करके करीब 2,50,000 टन के आसपास आ गया। इसलिए ज़रूरी है कि हम दवाओं का प्रयोग संतुलित रूप से करें, या अगर संभव हो सके तो न करें। अगर दवाओं का प्रयोग हमें नहीं करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी बात है कि हमारी किस्में जो हैं उनके अंदर रोगरोधी क्षमता होनी चाहिए। इसी बात के ऊपर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए हम लोगों ने पूसा बासमती 1121 का सुधार करके एक नई किस्म का
विकास किया है, जिसको हम पूसा बासमती 1885 का नाम दिए हैं और पूसा 1401 का सुधार करके एक नई किस्म का विकास किया है, जिसका नाम हमने पूसा बासमती 1886 दिया है। उसी तरह से पूसा बासमती 1509, जिसे आप अच्छी तरह से वाकिफ हैं। इन तीनों नई किस्मों में पत्ती के झुलसा रोग नियंत्रण के लिए दो जीन्स और उसी तरह से झोंका रोग के नियंत्रण के लिए दो जीन्स डाले गए हैं। इनके होने से इन किस्मों में अब पत्ती का झुलसा रोग और पत्ती का झोंका रोग बिल्कुल नहीं लगेगा। होता क्या, इससे क्या होगा कि आपको दवा का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा, और दवा का छिड़काव जब नहीं करना होगा तो अवशेष का प्रश्न ही नहीं उठता है, और जो 3000 रुपये प्रति एकड़ दवा का खर्चा वो आपका सीधे सीधे बचेगा। अगले वर्ष हम लोग कोशिश करेंगे कि इन किस्मों का बीज थोड़ी थोड़ी मात्रा में सभी किसान भाइयों को उपलब्ध करा सकें, ताकि वो इसको लगा करके खुद अपना बीज बना सकें और उसे अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकें। बासमती धान की तीन किस्मों में किया गया सुधार, पूसा बासमती 1121 में बदलाव कर बासमती पूसा 1885 किया गया, पूसा 1401 को पूसा बासमती 1886 किया गया, पूसा बासमती 1509 को पूसा बासमती 1985 किया गया। इस तरह से आने वाले समय में किसानों को बासमती धान में होने वाली दो बीमारियों से निजात मिल सकेगी, साथ ही उत्पादन में भी इजाफा किया जा सकेगा। तो जाना आपने, हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं, हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि कैसे किसानों को और अधिक लाभ मिल सकता है अलग अलग किस्मों के जरिए, और इसीलिए नई नई जो किस्में हैं वो विकसित की जा रही हैं। फिलहाल गांव किसान में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो हमारा पशुधन में बात करेंगे सीप पालन की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह, तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए हमारा पशुधन में बात करते हैं सीप पालन की। आमतौर पर जो किसान है इसको मोती की खेती भी जानते हैं, लेकिन किस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करना होता है और क्या इसके लिए कहीं प्रशिक्षण भी हमारे किसानों को दिया जाता है या नहीं, और कैसे सीप पालन के जरिए आप अच्छी आमदनी कमा सकते हैं, ये जान लेते हैं इस खास रिपोर्ट में। मोती की चमक हमें शुरू से आकर्षित करती आ रही है। इसका इस्तेमाल सजने संवरने और सजावट के लिए किया जाता रहा है। हालांकि पहले सिर्फ प्राकृतिक रूप से मिलने वाले मोतियों का ही इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बदलते दौर में मांग को देखते हुए कृत्रिम रूप से भी मोतियों का उत्पादन किया जाने लगा है। ये इतना सरल और सस्ता है कि इसे आसानी से कोई भी शुरू कर सकता है। सीप पालन के लिए सबसे जरूरी प्रशिक्षण लेना है। इसके अलावा जिले के मत्स्य विभाग से भी जानकारी ली जा सकती है। अब बात करेंगे उन स्टेप्स की जो सीप पालन में बेहद जरूरी है। सबसे पहले किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण ले, क्योंकि बिना ट्रेनिंग मोती की खेती नहीं की जा सकती है। इस बिजनेस से जुड़े कुछ लोग और सरकारी संस्थान भी इसकी ट्रेनिंग देते हैं। इसके बाद स्थान का चयन करें, मतलब सबसे पहले खेती करने की जगह चुने। जगह ऐसी हो जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी हो, जो लंबे समय तक उपयोग किया जा सके।
फिर फार्म तैयार करें। फार्म तैयार करने के लिए सबसे पहले तालाब बनाने की जरूरत होगी, साथ ही पानी को बाहर निकालने की भी उचित व्यवस्था करनी होगी और फिर सीप को इकट्ठा करें। झीलों, तालाबों या नदियों से सीप इकट्ठा किए जा सकते हैं या फिर किसी फार्म या बाजार से इन्हें खरीदा जा सकता है। आमतौर पर तीन तरह की सीपें पाली जाती है। सीपियों के प्रकार लेमिनेनिस मार्जिलेनिस, लेमिनेनिस कोरियनस और पाइरेसिया। अक्टूबर से दिसंबर का समय सीप पालन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। 10x10 फीट के या इससे बड़े तालाब में मोती की खेती की जा सकती है। 0.4 हेक्टेयर जैसे छोटे तालाब में अधिकतम 25,000 तक मोती का उत्पादन किया जा सकता है। सीप को तालाब में रखने से पहले 2 से 3 दिन के लिए पानी में रखा जाता है। इस दौरान इन तीन विधियों में से किसी एक का चयन किया जा सकता है, जो इस प्रकार है। मेंटल कैविटी इम्प्लांटेशन, मेंटल टिश्यू इम्प्लांटेशन और गोनेडल इम्प्लांटेशन। इन प्रक्रियाओं की विधि बजट और स्थान विशेष पर निर्भर करती है। सीप में इम्प्लांटेशन यानी चीरा लगाने की प्रक्रिया के बाद उन्हें 10 से 15 दिन के लिए बांस की मदद से नायलॉन के बैग में रखा जाता है। इस दौरान बीच बीच में सीपों की जांच करनी होती है। अगर कोई सीप खराब हो गया हो या उसका जीव मर गया हो तो उसे तुरंत तालाब से निकाल कर अलग कर दे। करीब 8 से 10 माह के बाद सीप में से मोती निकाल लिए जाते हैं। सीप की गुणवत्ता के हिसाब से छटाई कर उनका मूल्य तय किया जाता है। तो जाना आपने सीप मोती की खेती के बारे में भी कितना लाभ इसमें छिपा हुआ है। फिलहाल आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अक्टूबर माह के पशुपालक कैलेंडर पर। सर्दी के मौसम में गाय और भैंस के ब्याने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं। अतः माता और बच्चों के लिए संतुलित आहार व मौसम संबंधित पर्याप्त आवास की व्यवस्था समय से कर ली जानी चाहिए। FMD का टीकाकरण अगर नहीं करवाया है तो इसे अवश्य करवा लें और बीमारी फैलने पर पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन 1% से घाव को धोते रहना चाहिए। साथ ही नजदीकी पशु चिकित्सालय से सलाह जरूर लें। संभावित क्षेत्रों में एंथ्रेक्स का भी टीकाकरण करवा लेना बेहतर रहेगा। बकरियों और भेड़ों में भी इंटेरोटॉक्सिमिया का टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बकरियों व भेड़ों में अगर PPR का टीकाकरण नहीं करवाया है तो इसे भी अवश्य करवा लें। 25 ग्राम से 50 ग्राम गुड़ रोज दें। HS या BQ की बीमारी से बचने के लिए टीका नहीं दिए गए पशुओं को टीकाकरण करवा लें। साथ ही पीड़ित पशुओं को पशु चिकित्सक की देखरेख में इलाज कराएं। रूटीन चक्रीय डीवार्मिंग पर ध्यान देना चाहिए। पशुओं को AC/DO/CC अफारा से बचाने के लिए संतुलित हरा चारा व दाना देना चाहिए। बच्चा देने वाली माता को संतुलित आहार व हल्का व्यायाम करवाते रहना चाहिए। इस माह तक भेड़ पालक अपनी भेड़ों से ऊन का संग्रह अवश्य कर लें। मुर्गियों के लिए सर्दी का माह सबसे अच्छा माना जाता है, अतः पर्याप्त आवश्यक टीकाकरण आवास व आहार पर ध्यान देना चाहिए। पशुशाला को बाह्य परजीवियों से बचाने के लिए स्प्रे या पेंटिंग एवं पशु के लिए डीपिंग या स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए। तो किस तरीके से आप अपने पशु को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं, ये जानकारी आपने ली इस माह के पशुपालक कैलेंडर में। फिलहाल गांव किसान में वक्त उछला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे एक कामयाब किसान की दास्तां की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के, घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ,
सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत गांव किसान में। अब आइए बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की, जिसमें लगातार आपकी मुलाकात कराते हैं हम सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी ऐसे ही एक किसान के बारे में आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं जो उत्तराखंड के चमोली से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन्होंने ना सिर्फ मशरूम की जो खेती है वो बड़े पैमाने पर की, बल्कि मशरूम से मुनाफा अगर कहा जाए तो इनके लिए अतिशोक्ति नहीं होगी। किस तरीके से ये आज के समय में दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं और कैसी रही इनकी कामयाबी की ये दास्तां, आइए देखते हैं। उत्तराखंड हरी भरी वादियों से ढका प्रदेश, जिसका अपना खूबसूरत इतिहास है। यहाँ की लगभग 90% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के ज्यादातर किसान पारंपरिक खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। हालांकि कभी कभी उपज से सही उत्पादन मिलना मुश्किल होता है। ऐसे में किसान परिवार की जरूरतों को पूरा करने में असहाय हो जाते हैं। ऐसी ही समस्या का सामना कर रहे थे देहरादून के देवीपुर गांव के किसान संजय चमोली। संजय ने पारंपरिक खेती से हटकर खेती करने का विचार बनाया और इसी कड़ी में मशरूम की खेती की शुरुआत की। जैसे गेहूं की फसल या गन्ने की फसल हम करते हैं या धान की फसल करते हैं, तो कोई भी फसल उगाने में 4 से 5 महीना लग जाता था उसको सेल करने में। उसका मनी जो पैसा आता था मार्केट से हमारे पास, तो 6 महीने उसके जो बीच का दायरा होता था हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत भरा होता था। बच्चों की फीस भरना है, दवाई का निकल जाए इस तरह से, तो इसलिए भी हमने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे हमें रेगुलर मंथली इनकम आती रहे। लहलहाते और हरे भरे खेत किसे नहीं भाते, लेकिन आय में इजाफा करना हो तो कुछ हटकर ही सोचना पड़ता है। देवीपुर के संजय चमोली ने भी पारंपरिक खेती के साथ साथ मशरूम की खेती करने का विचार बनाया। इस काम को सही तरीके से करने के लिए उन्होंने गांव की महिलाओं का समूह बनाया। बेहतर परिणाम मिले इसके लिए बकायदा मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया, साथ ही समूह की सभी महिलाओं को भी प्रशिक्षित किया। इसमें संजय के 2 उद्देश्य छिपे हुए थे, जिसमें आय तो बढ़ाना ही था, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना शामिल था। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था। महिलाएं शुरू शुरू में घर से बाहर निकलकर काम करने में संकोच करती थी, लेकिन जल्दी ही महिलाओं ने इस बात को समझ लिया और अभियान का हिस्सा बन गई। और आज 16 महिलाओं का समूह साथ काम करके मुनाफा कमा रहा है। 2018 में हमने स्टार्ट किया था इसको। इसकी ट्रेनिंग पहले हमने इसकी ट्रेनिंग ली थी, जितनी भी हमारी SHG ग्रुप में जितनी महिलाएं सबने इसकी ट्रेनिंग ली, क्योंकि बिना ट्रेनिंग के कोई भी काम करना मुझे लगा कि अपना पैसा ही बर्बाद करना होगा। इसकी पूरे प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेकर फिर हमने इसको आगे इसको चालू किया प्रोसेस को। हमारे आस पड़ोस में जितनी भी महिलाएं थी, हमने इनसे बातें की भाई इस तरह से ग्रुप बनाएंगे और आप लोगों को सबको हमारे साथ काम करना होगा, और जो भी इनकम होगा हम सब में बराबर बटेगा, बराबर की हिस्सेदारी होगी। जो महिलाएं हमसे जुड़ी हैं इस मशरूम से या खेतीबाड़ी से, उनको ये सुकून है कि हम अपना जो भी अर्न कर रहे हैं अपनी मेहनत से कर रहे हैं। पहले उनको कुछ भी सामान लेने के लिए घर वालों से पैसा लेना पड़ता था, लेकिन आज वो महिलाएं अपने घर वालों को पैसा दे रही है कि आज हमने इस महीने 5,000 का मशरूम बेचा है या कुछ या 10,000 का बेचा है, तो वो उस हिस्से से अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर रही है, कपड़ा भी अच्छा पहन रही है और अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छा कर रही है। संजय ने ऐसा रास्ता चुना जिसमें वो अकेले नहीं थे, उनके साथ थी उनके समूह की ताकत, और जिस अभियान में कई लोगों की मेहनत छुपी होती है वहाँ सफलता मिलना लाजमी है। हालांकि शुरू में थोड़ी मुश्किलें जरूर आई, लेकिन संजय ने हार नहीं मानी और आगे बढ़ते गए। एक समय तो ऐसा भी आया कि आसपास के लोग हतोत्साहित करने लगे, लेकिन संजय ने इसे चुनौती माना और अपने काम में जोर शोर से लग गए। यही वजह है कि संजय आज एक कामयाब किसान है। वहीं दूसरी तरफ समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार मिला, आज महिलाएं खुद को आत्मनिर्भर महसूस कर रही है।
तो देखा आपने, ना सिर्फ संजय जी की कामयाबी की जो दास्ता है उन तक सीमित रही, बल्कि दूसरे किसानों के लिए ये अब प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं, जिससे और भी जो किसान हैं मशरूम की खेती की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। फिलहाल आज के लिए गांव किसान कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप कभी भी कहीं भी अब ले सकेंगे। फिलहाल के लिए गांव किसान में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।